हेयर ऑयल ही वो उसका लौकी का एक आता है ना वो वाला, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कभी, ये दूसरी बार ऐसा हुआ। अभी सोचो ऑयली नहीं करोगी, बहुत ऑयली अभी तो आपके थोड़ा सा नीचे उठे दो, नीचे नीचे के साइड जाओगे थोड़ा थोड़ा नीचे। पहले मैं गैस जा रहा था अपना ही था, ये लोग ने पूरा निकाल के रखा है कबाड़। बताओ कैसा करना है, वो जो सारे हैं जो डिस्कनेक्टेड है उसको एक स्ट्रेट कट कर दो। स्ट्रेट करना है? नहीं, स्ट्रेट तो मैंने आज तक नहीं करवाया, पहले से ही एडवांस या तो फिर स्टेप लेयर ऐसे ही करवाया। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि जो पीछे के जो हेयर है उसमें स्टेप कर देते हैं, जो आगे के हेयर है लेयर रखते हैं, और डिस्कनेक्शन जितना है ना वो कम करके वो कम कर दो, क्योंकि एक दो एकदम हेयर ही ऐसे आते आते जो बहुत बड़े होते हैं और बाकी सारे स्टेप में दिख रहे हैं। मैं ओपन हेयर ही रखती हूँ ऑलवेज, इसलिए फिर बहुत गंदा लगता है। जैसा कोई लाइन कट करता हूँ उससे भी कम करो, ये तो भी चलेगा, कम चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं। अब लोग लोकल बरोड़ा से नहीं हो? मैं बरोड़ा का हूँ, वो करके खा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन सर तो जीवन साथी से। अच्छा, इसलिए यहाँ के पानी से बहुत है।
बहुत ज्यादा टीडीएस वाला पानी है ना, पहले ऐसा नहीं था यहाँ पे। हमारे वहां तो नर्मदा का पानी आता था, इसलिए बहुत हाँ। मेन सिटी में था कि नहीं? नहीं, जम्मू सर से। नेक्स्ट टू वीक शादी है घर में, दो दो तीन शादी है, तो ये सोच रही थी कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा भी। क्या हुआ था, हेडेक हो रहा था तो मेरे पापा ने बोला कि ला मैं तुझे हेयर ऑयल करके दे देता हूँ। बाकी मैंने 6-7 महीनों से कोई हेयर ऑयल ही नहीं किया था, तो सडनली किया इसलिए शायद हुआ था। अब हेयर स्पा का कितना लेते हो यहाँ पे? नॉर्मली 350 होता है, कभी कभी ऑफर में 290-250 भी होता है। अच्छा, केराटिन भी करते हो? आप समझ जाओगे क्या होता है, वो जो क्रीम होता है ना वो हेयर के बॉन को तोड़ता है। अच्छा। उसके बाद उसको हम एक स्ट्रेट शेप दे देते हैं, वो परमानेंट ऐसा हो जाता है। केराटिन के अंदर एक केराटिन अपना जो प्रोटीन है हाँ। वो हेयर के ऊपर एक नया लेयर बना देता है। अच्छा। और वो मतलब मेरे उसमें लगता नहीं केराटिन कम है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट है और डैमेज भी नहीं है आपको एकदम स्ट्रेट लुक ऐसा कुछ है तो हाँ, क्योंकि ना बहुत ये हेयर कट ज्यादा करवाती हूँ ना, इसकी वजह से मेरे तो नीचे से ऐसे हो रहे हैं ना हेयर अभी। पहले मैं एकदम स्ट्रेट थे, मतलब ऐसा लगता था कि मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया है, और अभी थोड़ा आधा वे भी आधा स्ट्रेट ऐसा लगता है ना, नीचे से ऐसे हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है उसमें। और उसमें आगे के है, पीछे के तो स्ट्रेट ही रहते हैं। फिर केराटिन की तरह उसके जैसा बोटॉक्स भी आता है, तो उसमें केमिकल्स कम रहते हैं, वाटर केमिकल फ्री बोलते हैं, पर उसमें होता कुछ नहीं है केमिकल फ्री। केमिकल्स तो मुझे लगाना ही नहीं है हेयर में, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं कुछ मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं कभी हेयर में, ऑयल के सिवाय मैंने कुछ नहीं डाला है कभी। बहुत ज्यादा लगे, बहुत ड्राई हो गया। पहले मुझे लॉन्ग हेयर पसंद था, अभी मुझे एकदम से शॉर्ट हेयर पसंद है, केयर करने का टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली मैं तो ओपन रख के ही जाती हूँ ना, इसलिए मुझे शॉर्ट ही पसंद है, क्योंकि लॉन्ग हेयर होता है तो उसको फिर हेयर कैसे टाइप करूँ वो टेंशन रहता है।
ये डिमांड्स की जगह पे दूसरा स्टार्ट हुआ ना, वहाँ पे यूनिसेक्स है या फिर ऐसे ही सिर्फ मेंस के लिए है? ये डिमांड्स था ना पहले, ये योगी में वहाँ पे आप दूसरा कोई आ गया कैसे? नहीं आ गया डिमांड्स के यूनिसेक्स का। वो हमारे पहचान वाले नहीं, योगियों पे बिजनेस नहीं चलता है। अब बहुत सारे बंदों के चालू हो रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई नहीं चल रहा है बिजनेस, सिर्फ सुपर स्टोर मेडिकल स्टोर सिर्फ। हाँ भाई वो भी बंद हो जाते हैं, पता जो लास्ट में जो सुपर स्टोर था ना वो भी बंद हो गया, बाकी ऐसा कुछ बंद नहीं। वो अच्छा था नजदीक में ऐसा था तो। अब वो ऐसे सॉर्टर का है ना, हमारा ऑफर रखा है आप इनवर्टेड बहुत हेयर कट ट्राई करना आगे से लॉन्ग, कुछ भी शॉर्ट आगे से लॉन्ग, बट वही अच्छा नहीं लग रहा था। वो आगे आते थे ना पीछे वाले हेयर शॉर्ट बहुत ज्यादा शॉर्ट रहते थे, और फिर ये आगे बढ़े तो नहीं अच्छा लग रहा था, फोटो में अच्छे नहीं आते थे। देखने में अच्छा लगता है बट फोटोज में पता नहीं फिर कैसा नहीं लगता। वो जो कटिंग होता है ना वो आपको कटिंग करवाने से दो तीन महीने तक अच्छा लगेगा, फिर जैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये दिक्कत आएगी। तो एवरी मंथ मुझे तो कोई ऐसा बोला ना कि एवरी मंथ कट करवा, तो मैं तो एवरी मंथ करवा ऐसी हूँ। अभी परसों मेरे क्लास वाले जो मेरे साथ अभी जॉब करते हैं वो देखेंगे ना तो ऐसा बोलेंगे तुझे कोई ऐसा बोले कि हाँ तू जा तो तू तो ऐसे ही चली जाती है, सोचती भी नहीं है हेयर कट करवाने से पहले, ऐसा बोलेंगे। और करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। स्कूल टाइम में मेरे हेयर बेबी कट थे नाइन्थ तक, उसके बाद मैंने हेयर लंबे किए। हेयर लंबे का मतलब पहले से ही आपको शॉर्ट हेयर ही पसंद? नहीं पहले लॉन्ग हेयर पसंद थे, स्कूल में तो जबरदस्ती करवाते थे कान के ऊपर चाहिए हेयर ऐसा, हॉस्टल में थी ना मैं इसलिए। अच्छा जब पहले से ही आप बाहर ही रहे हो? 16 इयर्स है। पहले तो खुद से हेयर कट कर लेते थे बेबी कट थे ना तो उसमें तो क्या प्रॉब्लम होती थी, वैसे भी एकदम स्ट्रेट थे। मेरा देख के बहुत सारे लोग आएंगे अभी। ऐसा? हाँ सोसाइटी से? नहीं मेरे दीदी लोग और वो ऐसा बोलेंगे तू कहाँ से हेयर कट करवा के आई, मैं बोलूँ यस यहाँ से, तो वो लोग यहाँ मुझे लेके आएंगे चल तो हमें लेके चल ऐसा बोलेंगे। मेरे हेयर जहाँ पे भी कट करवाती हूँ ना उनको सब जगह पसंद आ जाते हैं।
आपके हेयर ही ऐसे हैं? हाँ, और उनके वो कर्ली है थोड़े थोड़े, सबके ही ऐसे हैं। मेरी मम्मी के भी कर्ली है, मेरे पापा के और मेरे स्ट्रेट है कर्ली। अभी दो दिन पहले ही ऐसा बोल रही थी मैं कि अभी थोड़े हेयर लंबे करूंगी उसके बाद नीचे से स्ट्रेट करवाऊंगी। अब आए भी थे तो हेयर वॉश करवाने आए थे ना सर? हाँ हाँ, फिर उनका हेयर कट। ऐसा ही होता है मेरा, हर बार का प्लान करके कभी हेयर कट करवाने नहीं गई मैं आज तक। आईब्रो वैक्स करवाने जाती हूँ ना तो ऐसा बोलते, ऐसा सोच रही हूँ करवा दू करवा दू, वो बोलते है ना तू क्या सोच के आई थी, वो बोल। मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं तो सिर्फ आईब्रो और वैक्स करवाने जागृति। हाँ, तो फिर बोलते हैं तो बस वही करवा के जा। फिर मैं बोलती काफी धोने आओगे, फिर वो बोलते तेरी मम्मी आके मुझे मारेगी एक दिन। हर दो या तीन मंथ के बाद कटवा के चली जाती है ऐसे करते। मेरी मम्मी को पता ना चले ना मैंने हेयर कट करवाया तो मैं हेयर टाई करके उनको वीडियो कॉल करती हूँ। अच्छा। लैपटॉप पे काम रहता है, आंखों में आते हैं ना, फिर अच्छा लगेगा आपको इवेंट में। एक तो आगे से बहुत बेबी है उसे, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा। Thank you.